होता तो अभी मृत्यु के देवता को बुलाकर अपना ये शरीर उनको सौंप दूंगी। जैसे ये शरीर श्री राम नहीं है, उसी प्रकार ये शरीर भी सीता नहीं है। राम और सीता का आपस का जो संबंध है, वो इन शरीरों से परे तो अनादि और परम गुण आत्माएं हैं। शरीर तो मिलने का एकमात्र साधन है, जो हर जन हर लोग में अलग अलग होता है। इसलिए मूर्ख, तेरी ये याचना व्यर्थ है। सीता और राम कभी भी जुदा नहीं हुए और कभी भी जुदा नहीं होंगे, ये शरीर रहे या ना रहे। मुझे केवल इतना ही आश्चर्य है कि जब श्री राम शरीर को छोड़कर जाने लगे होंगे तो मेरी आत्मा को उसका भान क्यों नहीं हुआ। प्रभु, मेरी दृष्टि तो सतत आपके चरण कमलों को एक प्रहरी की भांति देखती रहती है, तो फिर इस प्रहरी से ऐसी भूल कैसे हो गई। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज की जय हो। क्या है? क्षमा करें महाराज, युवराज इंद्रजीत और आपके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य किसी विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। करने दो। युवराज इंद्रजीत ने कहा है कि विषय अत्यंत गंभीर एवं महत्वपूर्ण है, आपसे निवेदन है कि श्री गाने की कृपा करें। माता, ये क्या रहस्य है? पुत्री, ये तो मायावी शीश था, श्री राम का शीश नहीं था। ये तो केवल रावण की रचाई हुई एक माया थी। महाराज के सामने मैं तुमसे कह न सकी, परंतु तेरे पति तो सर्वकुशल हैं। सच? हाँ पुत्री, वो सचमुच लंका पहुंच गए हैं। कहते हैं उन्होंने वो चमत्कार किया है जो आज तक इस धरती पर किसी ने न किया हो, और उन्होंने विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध दिया है और अपनी विशाल सेना समेत समुद्र को लांघकर लंका की इस धरती पर आ पहुंचे हैं। लंका की धरती पर आ पहुंचे हैं? नाथ, आपके श्री चरण इस धरती पर आ गए हैं और मैंने अभी तक आपके चरण स्पर्श नहीं किए। स्वामी, मैं धरती माता के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करती हूँ, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। प्रणाम। मैं इस धरती पर जिसे तुम्हारा स्पर्श अनुभव कर रहा हूं, मुझे ये धरती जिसे तुम्हारा कोई मूक संदेश पहुंचा रही है। धरती माता, इसी नगर में कहीं मेरी सीता तुम्हारी गोद में बैठी होगी, जैसे मुझ तक उसका स्पर्श पहुंचाया है, उसी प्रकार मेरा इतना संदेश उसके हृदय में स्पंदित कर देना कि सीते, अब मैं आ गया हूं, दुख के दिन अब समाप्त हो गए समझो, मैं शीघ्र ही उस पापी का नाश करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मेरा भरोसा रखना और हिम्मत न हारना।
के साथ सैन्य छावनी की संरचना की है महाराज सुग्रीव। छावनी के गठन में महाराज विभीषण ने बड़े दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी निर्देश दिए हैं। यह उन्हीं की राय थी कि पूरी सेना को भिन्न भिन्न टुकड़ियों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में दूर दूर शिविर डाले जाएं, जिससे कभी थोड़ी असावधानी में मौका पाकर शत्रु एक ओर धावा बोल भी दे तो दूसरी ओर का दल तत्काल पूरी तत्परता के साथ सहायता कर सके। महाराज विभीषण, भक्ति की साधना में जीवन बिताने वाले साधु समान सरल व्यक्ति को जिस समर संचालन के अनुभव कैसे हो गए? प्रभु, अपनी महत्ता और लिप्सा के लिए तीनों लोकों में अपनी तलवार के बल से त्राही त्राही मचाने वाले रावण का भाई हूं भगवान। रणनीति के दांवपेच से दूर कैसे हो सकता हूं? लंका की भौगोलिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ है, इसीलिए अब तक अजय रही है लंका। महाराज विभीषण के परामर्श से यदि सैन्य संचालन करेंगे तो परिणाम अनुकूल होंगे महाराज सुग्रीव। हाँ आर्यश्रेष्ठ, अब हर एक युद्ध योजना भावी लंकेश का निर्देश लेकर ही की जाएगी। पूरे सैनिक पड़ाव के ठीक बीचों बीच आपकी कुशा निर्मित पर्णकुटी तैयार की गई है, जिससे आपका सबके साथ सदा संपर्क बना रहे। एक एक भीति पर लक्ष्मण के कुशल हाथों की छाप दिखाई पड़ रही है। नहीं भैया, पूरा श्रेय मुझे ही मत दीजिए, इसमें सबका हाथ है। पधारिए महाराज जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आप अपनी पर्णकुटी में जाके विश्राम कीजिए, कई रातें आपने जागते हुए बिता दी हैं। विश्राम करने की सलाह दे रहे हैं कपिवर। सेना नायक का भार हमारे कांधों पर डालकर आप सबने भी तो हमारे साथ कई रातें आंखों को झपकाए बिना बिताई हैं। समर भूमि में तो सिपाही को सोते समय भी जागते रहना पड़ता है भैया। लक्ष्मण ने सच्चे सेनानी के लक्षण कह दिए हैं, सोते सोते जागना और जागृत अवस्था में ही विश्राम कर लेना, यही सैनिक का सच्चा अर्थ है। Ah!